हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने एक थंबनेल शो कर रहा होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट एनालिसिस। हाँ गाइस, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस हम लेकर आ रहे हैं आपकी इस वीडियो में, जो कि कल 20th of November वेडनेसडे को ट्रेड परफॉर्मेंस रहेगी। यानी कि आज मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं 19th of November को, और आपके लिए कल के लिए बना रहा हूँ कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से काम कर सकता है। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। तो ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ, उससे पहले मैं आज के दिन ही कम से कम 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। 3 वीडियो में सबसे पहले ही वीडियो, जो आपको सब लोगों को पता है कि मैं 5 स्टॉक्स आपके लिए लेकर आता हूँ अगले दिन, यानी कि जब वेडनेसडे के लिए मैं आपके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट लेकर आ रहा हूँ और आपको बताऊंगा क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस है। उसी के साथ एक वीडियो और अपलोड करी गई है, जिसपे आपको कल इंट्राडे के लिए 5 स्टॉक्स बाय करने के लिए रिकमेंड करे गए हैं, तो वो आज आप देख सकते हैं वो वीडियो भी। जो 2 वीडियो और मैंने बना रखी है, वो 2 वीडियो पर्टिकुलरली एक एक स्टॉक के ऊपर बना रखी है, जो कि एक PNB है और एक कैनरा बैंक है। तो ये 2 पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है और उन पे पर्टिकुलर एक ब्रेकआउट आने वाला है। तो गाइस, उसको भी जाके जरूर देखिए, उस वीडियोज को। जैसे ये वीडियो मेरी एंड होगी, उसी टाइम आपको यहाँ पर लगातार 3 वीडियो शो कर जाएंगी, जो 3 वीडियो के मैंने आपको नाम दे रखे हैं। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उन तीनों का लिंक मिल जाएगा आपको, आप एक एक करके उन तीनों वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं। और तीसरी चीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई का बटन दिख रहा होगा, आई को बटन को क्लिक करके ये स्क्रोल पे ही आपको 3 वीडियोस यहाँ दिख जाएंगी, जो मैंने अभी अपलोड करी है उनको भी आप देख सकते हैं। सो अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं गाइस। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती है, उन वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा गाइस। इसी के साथ ही अब मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और निफ्टी बैंक निफ्टी के जो वीडियोस मैं बनाता हूँ उसमें मैं आपको एक चीज़ और कन्फर्म कर देना चाहता हूँ। अगर मैं आपके लिए एक निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो बना रहा हूँ, निफ्टी के बैंक निफ्टी वीडियो पर मैंने आपको कुछ बता रखा है कि गाइस ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा है, तो जब तक वो उस रेंज के अंदर काम करेगा तब तक मैं अगली वीडियो नहीं बनाऊंगा। जैसे वो रेंज को तोड़ता है या फिर हम देखते हैं कुछ और नई चीज़ बन रही है, तभी हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में। तब तक के लिए अगर आपको कोई निफ्टी बैंक निफ्टी में वीडियो नहीं दिखती हमारे यूट्यूब में, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सो पर्टिकुलरली अभी एक हम देख रहे हैं कि एक बैंक निफ्टी ने पर्टिकुलरली एक ब्रेकआउट दिया है, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़रूर देखिए इसको। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी ये चीज़ जो मैं आपके लिए बना रखी है, ये लगातार मैं आपके लिए 2-3 दिन की वीडियोस में, आप जब भी मैंने प्रीवियस अपनी 2-3 वीडियोस बना रखी है निफ्टी बैंक निफ्टी की, बार बार आपको बता चुका हूँ इस रेंज के बारे में या इस सिस्टम के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको मैं एक बार और इस ग्रीन लाइन का मतलब बता देता हूँ और इसका मतलब बता देता हूँ कि जल्दी से आपको पता चल जाए जी गाइस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से पर्टिकुलरली एक अप मूव आई, एक ग्रीन लाइन जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा नीचे आ गई। ये जो आप रेड कलर का एक रेंज दिख रहे हैं ना गाइस, ये रेंज है, तो आप इस रेंज को मान सकते हैं, चाहे ये लेवल हो चाहे ये लेवल हो और चाहे ये लेवल हो, ये सब लेवल सेम मान के हम चलेंगे। यहाँ से एक अप मूव आई या रेजिस्टेंस फेस करा, नीचे आ गए, नीचे सपोर्ट लिया, ऊपर आई रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो पाई, दोबारा नीचे आ गई। फिर यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, ऊपर ब्रेकआउट दिया, ये इस लेवल तक पहुंची, दोबारा नीचे आई। जब नीचे आई तो इसी लाइन को, जब ये रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, इसे सपोर्ट फेस करा, ऊपर गई, नीचे आई इस लेवल को, फिर इसने सपोर्ट फेस करा, फिर ऊपर गई, फिर जब नीचे आई यहाँ इस रेंज पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, तो इसको दोबारा रेजिस्टेंस मानने लग गई। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस माना, इधर भी रेजिस्टेंस माना, और अब हमने देखा है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिली है। दूसरी बात, अब आप देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग यहाँ देखने को मिली थी, तो हमने एक और अच्छी सी अपमूव देखी थी, 40-50 रुपए की निफ्टी के अंदर एक अपमूव देखी थी। दूसरी बात, जब हमने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट देखा, यानी कि इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देखी, तो हमने देखा कि निफ्टी 950 से लेके 12,030 तक गया था, यानी कि इस लाइन तक गया था। उसी तरीके से फिर अब आप दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक बार इसने क्लोजिंग देने की कोशिश करी और हमने एक अगले दिन एक बहुत तेज़ी से गिरावट देखी। तो इसी हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूँ, तो अब आप देख सकते हैं, पर ये एक बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल इन द सेंस कि आप देख सकते हैं ये अपने हाई तक गई, विक पर नीचे जाके क्लोजिंग करी, इसने यहाँ पर नीचे जाके क्लोजिंग नहीं करी। दूसरी बात गाइस, अगर ये कल इसके लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाती है, 950 940 के ऊपर सस्टेन कर जाती है,
तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कल 990 या 1230 तक भी जा सकती है, जो कि ये प्रीवियस लाइन है। इस लाइन को मैं अगर एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे लगता है कि कल ये निफ्टी यहाँ तक भी जा सकती है या परसों तक जा सकती है। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी पे आपको मैं सबसे पहली चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एक हाई था, स्विंग हाई, फिर एक ये हाई था। ये हाई बनाया था इसने मई में पर्टिकुलर ये हाई बना था। उसके बाद जो ये हाई हम देख रहे थे जुलाई में हाई बना था। और अब आप देख सकते हैं अगर मैं पर्टिकुलर हाइज को एक ट्रेंड लाइन से जोड़ता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, पर आप देख सकते थे ये जो लाइन है यहाँ पर लाइन ने एक कैंडल ने रेजिस्टेंस फेस करी, बहुत तेजी से बैंक निफ्टी नीचे आया। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करी, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करी, फिर हम देखते थे नीचे क्लोजिंग दे देता था। पर आज इसने देखा इस लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो लाइन दिया है वो लाइन है 31,200 की है, तो 31,200 के ऊपर क्लोजिंग दिया, बहुत अच्छी बात है। कल इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है तो ये 31,500, 31,750 तक भी जा सकता है। दूसरी बात आप देख सकते हैं एक ये अपर रेंज चैनल है, ये राइजिंग चैनल है, तो राइजिंग चैनल के अंदर ये ट्रेड करा। आप देखिए ये जब मार्केट एक बार ये बैंक निफ्टी नीचे आया तो पूरे टाइम चैनल के अंदर ट्रेड करते रहा। चैनल के अंदर ट्रेड करने का मतलब है कि जो बॉडी है वो बॉडी चैनल के अंदर है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। जी गाइस एक सेकेंड, ये आप देख सकते हैं ये चैनल कुछ नहीं, यहाँ तोड़ने की कोशिश करी, शेडो आई, पर आखिरी में ऊपर जाके चैनल के अंदर ही क्लोजिंग दी। यहाँ पर भी चैनल के ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, पर एट द एंड ऑफ टाइम चैनल के अंदर इसने क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नीचे तोड़ा, पर एट द एंड ऑफ द टाइम ये चैनल के ऊपर ही जाके बंद हुआ। पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एग्जैक्ट इसने चैनल पर सपोर्ट लिया है, जो कि लेवल है 31,000 का। तो 31,000 के लेवल पे आज इसने सपोर्ट लिया है और एक बाय बना और यहाँ से ऊपर गया। पर हमने आज आप देख सकते हैं कि अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को बाय की रिकमेंड नहीं दी थी आज के दिन। क्यों नहीं दी थी? आपको निफ्टी पे मैंने दिखा दिया कि रेंज के अंदर ही है, कुछ इसमें अच्छा नहीं हो रहा। तो बैंक निफ्टी पे भी मैंने आपको रेंज बाय की सलाह तब देनी थी और हमने दी थी जब इस लाइन के ऊपर ये निकलना था। इस लाइन के ऊपर निकला, हमने बाय की सलाह दे दी है और अब हमारे जो टारगेट बनते हैं वो टारगेट बनते हैं 31,750 के, और 750 के टारगेट बनते हैं 31,500 का पहला टारगेट, 31,750 का दूसरा टारगेट। और अगर आप देखेंगे ये जो लॉन्ग टर्म प्रीवियस स्विंग हाई है वो भी एग्जैक्ट 31,750 का दिखा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि वहाँ तक जा सकता है। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी में बता दिया, निफ्टी पे कुछ खास नहीं हो रहा। अगर कल 11,950 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 12,030 तक बढ़ सकता है, और बैंक निफ्टी अगर 31,200 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हम 31,500, 31,700 तक जाते हुए देख सकते हैं। शॉर्ट आपको कब करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। शॉर्ट आपको करना है 31,000 के नीचे क्लोज करता है तभी, उसके पहले आपको शॉर्ट की सलाह नहीं दी जाएगी। और आपको निफ्टी के अंदर शॉर्ट की सलाह तब दी जाएगी जब ये कल अपना 31,900 के लेवल को ब्रेक करता है। तो जैसे ही 31,900 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ही हम अपनी शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 11,850, और लोअर लेवल्स आपको अपने सुबह टेलीग्राम चैनल पे आपको बता दिया जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल को अगर आपको फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको वहाँ पर दे रखा है, ट्रेड डीलर्स हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जाके ज़रूर ज्वाइन हुई है। बहुत अच्छी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर प्रोवाइड होती है, और मार्केट ओपन होने से पहले ही हम आपको अपने ट्रेडिंग कॉल्स प्लस साइड में निफ्टी बैंक निफ्टी के टारगेट स्टॉप लॉस भी आपको बता देते हैं। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए गाइस। ये आप तीन वीडियो देख रहे होंगे, यहाँ पर ये तीन वीडियो आप देख रहे होंगे, ये तीन वीडियो को जाके एक एक करके देखिए और अच्छे से इसका फ़ायदा उठाइए। और यहाँ सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है, सब्सक्राइब का बटन दबा के क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। सो मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ।